अच्छा जी, हालांकि सब आता है आप लोगों को, लेकिन स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं है आपकी प्रॉपर, तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। हामिद मेरा दोस्त था, क्या हो जाएगा? हामिद मेरा दोस्त था। हामिद वा वताशी नो तोमोदाची दिश्ता। हामिद वा वताशी नो तोमोदाची दिश्ता। ठीक है, हामिद मेरा दोस्त नहीं था, क्या हो जाएगा? हामिद वा वताशी नो तोमोदाची जनाइदिस। जनाइदिस से क्या मतलब है? नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ? हामिद मेरा दोस्त नहीं था। जाना अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं इसमें, और ये एग्जाम में भी आता है कि वो चाहे चॉइस देगा, एक सवाल सही देगा जाना करता दे, एक जवाब देगा जनाई दिश्ता, फिर तीसरा लिखेगा जाना दिश्ता, फिर लिखेगा जाना जानाई करता, उसमें आपको सही जवाब समझना होगा। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि नहीं था, था के लिए जो है वो दिश्ता है और नहीं के लिए नाई है, तो नाई दिश्ता कर देते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, नाई दिश्ता कोई लफ्ज नहीं है। दिश्ता का मतलब है था, लेकिन नहीं था के लिए नाई दिश्ता कभी भी नहीं इस्तेमाल, कोई लफ्ज ही नहीं है नाई दिश्ता। नहीं था के लिए क्या होगा? जाना कत्ता दिस, जा ना कत्ता। अगर दिस से कंफ्यूज हो रहे हैं आप कि दिस का मतलब तो है, तो आप दिस ना भी लिखें तो भी चल जाएगा। हामिद वा, मैं लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज होंगे। हामिद वा वताशी नो तोमोदाची जाना करता दिस, या जाना करता। ठीक है, हामिद वा वताशी नो तोमोदाची जाना करता दिस। ठीक है, नाई दिश्ता कोई लफ्ज नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, बल्कि इसको हम इस छोटा सा टॉपिक था, बस ये तो एक बात, छोटी सी बात क्लियर हो गई आपको, इस टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं, दूसरा टॉपिक।